राम राम भैया। हाँ राम राम भैया, राम राम। अरे कहाँ चल दिया सुबह सुबह, कुछ हमें भी तो पता चले। अरे भैया मैं तो तुम्हें खुद ही बताने वाला था। अच्छा, कि 25 सितंबर से 20 अक्टूबर 2014 को हमारे प्रदेश में कृषि महोत्सव होने वाला है। बस यही पता करने जा रहा था कि हमारी पंचायत में क्रांति रथ कब पहुँचेगा और वो ब्लॉक में किसान संगोष्ठी कब होगी। इतना कुछ होगा कृषि महोत्सव में? हाँ, हमारे गांव में भी कृषि वैज्ञानिक आएंगे नई नई तकनीक लेकर, और कई तरह के कार्यक्रम होंगे, जैसे मिट्टी परीक्षण के लिए मिट्टी के विधिवत नमूने लेना, किसान क्रेडिट कार्ड बनाने और वितरण का कार्य, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा से संबंधित किट का वितरण, खसरा खतौनी वितरण अभियान, गाँव में ही विशेषज्ञों द्वारा नवीन कृषि तकनीकों की जानकारी देना, किसान केंद्रित योजनाएं जैसे बलराम तालाब और मनरेगा में मेरा खेत मेरी माटी के निर्माण कार्य आरंभ करना। भैया फिर तो मुझे भी रहेगा कृषि महोत्सव का इंतजार। कृषि महोत्सव है किसानों का महोत्सव, खेती को लाभकारी बनाना है, विकास योजनाओं में भागीदारी निभाना है। प्रिय किसान बहनों और भाइयों, आप सबके मेहनत और परिश्रम से आज मध्य प्रदेश कृषि के क्षेत्र में देश का सरताज है। हमारी कृषि विकास दर 25% के आसपास है, लेकिन ये पड़ाव है, मंजिल नहीं है। अभी हमें और आगे बढ़ना है, खेती को लाभ का धंधा बनाना है, और इसलिए मध्य प्रदेश सरकार कृषि महोत्सव का आयोजन कर रही है। कृषि महोत्सव में आइए, नई तकनीकी अपनाइए, खेती को लाभ का धंधा बनाइए। मध्य प्रदेश बनाए।